CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं नौका विहार। मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत की गुंजन से संकलित कविता नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तन वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन, नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परीसी जल में कल, रुपहरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुकझुक दशमी का शशि निज तिरयक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, अब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने का निज विरह शोक, छाया की कोकी कोविलोक, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सहोत्साह, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्रम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम,
शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। प्रकृति प्रेमी छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत, जहां एक ओर अपनी सरल प्रकृति के सौंदर्य के सजीव चित्रण करने वाली कविताओं के लिए विख्यात थे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति और जीवन के रहस्यमय यथार्थ को व्यक्त करने के लिए भी वे जाने जाते हैं। नौका विहार के छंद इलाहाबाद में संगम पर नाव में यात्रा करने वाले किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के मन में उठने वाले वो भाव हैं जो जीवन मरण के शाश्वत सत्य की ओर उनका ध्यानाकर्षण करते हैं। गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम जीवन मृत्यु के संगम के समान है। नदी का प्रवाह वह जीवन चक्र है जिसमें नौका रूपी जीवन चलता रहता है। अक्सर हम पिकनिक पर जाते हैं और बोटिंग करने का हमारा बहुत मन होता है। बोटिंग के समय नदी के आसपास का दृश्य कैसा होता है, उसको कविता का रूप प्रदान करें या उसका चित्रण करें। अभी आप सुन रहे थे ये कविता। विषय संयोजन तथा वाचन आलेख रविंद्र कुमार, विशेष परामर्श डॉक्टर ज्योत्सना तिवारी, वाचन तथा कविता पाठ राजश्री त्रिवेदी, ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो, सरोज महापात्रा और शानु मुक्सीम, निर्माण सहायक विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।